निर्माता और निर्देशक राकेश रोशन की क्रिश 4 की शूटिंग 2019 में शुरू होनी है। काफी दिनों से चल रही इन खबरों के बाद बताया जा रहा है कि फिल्म की स्टार कास्ट में कुछ ट्विस्ट होगा। सूत्रों की माने तो नई कहानी के प्लॉट में प्रियंका चोपड़ा के अलावा दो हीरोइनों के लिए जगह बनी है। पहले फिल्म में कैटरीना कैफ के होने की भी खबरें थी, लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं है। पिछले कुछ समय में राकेश रोशन कई नई लड़कियों से मिले हैं। वो किसी फ्रेश चेहरे के साथ एक स्थापित चेहरे को लाना चाहते हैं। इनमें यामी गौतम, भूमि पेटनेकर और कृति सैनन भी ऋतिक रोशन की हीरोइन बनने की रेस में शामिल हैं। इधर ऋतिक सुपर 30 पूरी करने के बाद यशराज फिल्म्स की एक फिल्म के लिए विदेश में शूटिंग कर रहे हैं। इसके बाद संजय लीला भंसाली से भी उनकी बातचीत की चर्चा है। बताया जाता है कि भंसाली ने चर्चित उपन्यास इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा के अधिकार खरीदे हैं। वो भगवान शिव के रोल के लिए ऋतिक से बात कर रहे हैं और ऋतिक ने रजामंदी भी दे दी है। ऐसे में अब ऋतिक के सामने अगले साल समस्या आ सकती है कि वो होम प्रोडक्शन के लिए कब समय निकालेंगे। राकेश रोशन उन्हें क्रिश 4 के लिए तैयार रहने का निर्देश दे चुके हैं। 2019 में वो किसी भी दिन शूटिंग शुरू करने की घोषणा कर सकते हैं। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।